सामने के मंच में बैठे हुए एक से एक हमारे सब समाज के अंतिम छोर तक पहुंचने वाले हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि और मेरे सामने बैठे हुए बड़ी संख्या में आई हुई मेरी सभी माताएं, सभी बहनें, सभी मातृशक्ति, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, दूर दूर तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार भाई, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका जो इतनी अपार संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं और जैसे ही हम यहां बड़कोट पे पहुंचे, बड़कोट पहुंचने के बाद जिस प्रकार से आपने हेलीपैड से लेकर पूरे रास्ते भर हर दुकान से, गली से, रास्ते से, छतों से, ऊपर से, नीचे से जिस प्रकार से आपने अपना आशीर्वाद दिया है, हम सब लोगों का, मेरा, प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारी सांसद जी का आपने स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया, हमारा अभिनंदन किया, मैं भी आप सब लोगों को अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री मेहरबान सिंह बिष्टू जी, यहाँ के एसपी श्री अर्पण यदुवंशी जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण सामने लगे हुए, हमारे बहुत ही जो हमारा विकसित होता भारत, जिसकी संकल्पना, जिसका संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ऐसे हमारे सभी विभागों के लगे हुए स्टॉल इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज कितनी तेजी से भारत आगे बढ़ा है। जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि शायद इन 10 सालों में अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, 140 करोड़ लोगों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो लाभार्थी नहीं होगा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से कोई ना कोई लाभ न मिला होगा। बहुत अमीर होगा तो उसको अच्छी हवाई सेवा मिल रही होगी, बहुत बड़ी गाड़ियों वाला होगा तो उसकी अच्छी रोडों का उसको लाभ मिला होगा, कोई बहुत बड़ा होगा तो उसको रेलवे का लाभ मिला होगा, कोई बहुत उससे भी बड़ा होगा तो उसको भारत में रहने का, सुरक्षित भारत का लाभ मिला होगा। हम जिस क्षेत्र की बात करें, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जो किसी न किसी क्षेत्र से लाभ को छूता हुआ ना पड़ा हो। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। आज पूरा विश्व, पूरा संसार भारत की ओर देखता है। आखिर क्या बदला इन 10 सालों में, 2014 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो 2014 से पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे और वहां के लोग ठीक प्रकार से उनकी मीटिंगें भी नहीं करते थे, ठीक प्रकार से सम्मान भी नहीं करते थे। हमारी जो बात हमारे हक की होती थी, हमारे हित की बातें होती थी, उन हमारे हित की बातों को, हमारे हक की बातों को की भी अनसुना कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय भारत का नेतृत्व कमजोर हाथों में था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में जब से नेतृत्व आया है, पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। 2014 से पहले का भारत डप्पू भारत, पिछड़प्पू भारत, अपनी बात भी न कह सकने वाले भारत के रूप में हमारी पहचान होने लगी थी। भाइयों बहनों, उस सब दबेपन से भारत को उभारने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
देश के अंदर जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हैं, जिनको विकास की जरूरत है, जिनको योजनाओं की आवश्यकता है, उनके लिए योजनाओं को देने का काम हुआ है। पहले योजना किसके लिए बनती थी? योजना कुछ लोगों के लिए बन जाती थी। हमारी वो माता जी वहां बैठी हैं, गर्दन हिला रही हैं। पहले योजना बनती थी कुछ एक लोगों के लिए, और मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद महेंद्र भट्टी के नारे थे कि हर एक किसी को राशन दिया जा रहा है। कोरोना महामारी आई, सबको वैक्सीन लगाई गई, हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, जनधन में खाते खुलवाए गए, किसान सम्मान निधि लागू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को, और 4 करोड़ में से भी 70% जो मकान है, मकान की चाबी हमारी बहनों को देने का काम हुआ है, हमारी मातृशक्ति को देने का काम हुआ है, उनको लखपति बनाने का काम हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में हर एक के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की साल भर की गारंटी सुनिश्चित करने का काम, कि आप किसी गरीब को, जैसा महेंद्र जी कह रहे थे, पहले कोई बुजुर्ग बीमार हो जाते थे घर के तो उसको उनको अस्पताल ले जाते थे, अस्पताल ले जाने के बाद 2 दिन बाद जब पहले दिन बिल आता था 10,000 रुपए का, अगले दिन 20,000 का हो जाता था, तीसरे दिन 30,000 का हो जाता था, चौथे दिन वो जंप मार के 50-60 हजार पर जब पहुंचता था, और उस बुजुर्ग गरीब आदमी को पता लगता था कि मेरे इलाज में इतना पैसा लग रहा है और मेरे बेटे की, मेरे घर वालों की इतनी सामर्थ नहीं है, तो वो अपने बेटे से कहना शुरू कर देते थे कि मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चल बेटा, मैं बचूंगा कि मरूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन तेरा बुरा हाल हो जाएगा, तू कर्ज के बोझ तले दब जाएगा, तुझे मकान बेचना पड़ेगा, दुकान बेचनी पड़ेगी, घर में रखे हुए जेवर गिरवी रखने पड़ेंगे। आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं सोचा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का, हमारे बुजुर्ग का इलाज करवाने में घर के लोगों को कितनी परेशानी होती है, कोई घर का बीमार हो जाता है कितनी परेशानी हो जाती है जब हम अस्पताल जाते हैं। भाइयों बहनों, बहुत अमीर से अमीर आदमी जिसके पास बहुत साधन होते हैं उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है। मैं तो भगवान भवनाथ जी से कहूंगा कि किसी को अस्पताल न भेजो, अस्पताल हम अच्छे बनाते हैं, हम बड़ी सुविधाएं करते हैं। अभी यमुनोत्री वाले विधायक जी कह रहे थे कि जो है डॉक्टर दे दीजिए, जरूरी है डॉक्टर देने हैं। सुरेश चौहान जी भी कहते हैं, दुर्गेश्वर लाल जी भी कहते हैं, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे पदाधिकारी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भगवान हम अच्छे अस्पताल बना रहे हैं। जैसे हमने वात्सल्य योजना चलाई, वात्सल्य योजना मैंने कहा, जिस दिन मैं वात्सल्य योजना के चेक बांट रहा था बच्चों को कोरोना महामारी में, ये योजना हम लेकर आए, जो बच्चे अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया उनके लिए हम वात्सल्य योजना लेकर आए। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान आप जो है आप इस वात्सल्य योजना के एक भी लाभार्थी को आगे मत बढ़ाना, एक भी इसकी संख्या में वृद्धि मत करना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। उसी प्रकार से मैं भगवान भवनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अस्पताल किसी को न जाना पड़े। मैंने देखा है, मैंने अपने पूज्य पिताजी का 4.5 महीने तक अस्पताल में रहकर इलाज करवाया, तब मैंने देखा किस प्रकार की परेशानी होती है। इस परेशानी को आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं समझा। भाइयों बहनों, आजाद भारत के मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने समझा कि 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम होना चाहिए, जिससे कि इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए, हर कोई अपना इलाज करवा पाए, वो काम उन्होंने किया है। इज्जत घर बनाने का काम, हम पहाड़ में रहते हैं, मैं भी पहाड़ में पैदा हुआ हूं, मैंने देखा अपनी मां को घास काटते हुए, जानवरों के लिए खेतों से जंगलों से चारा लाते हुए, पत्ता काटते हुए कितनी परेशानी होती थी। सवेरे उठते थे तो कहीं उजाला ना हो जाए, अगर सोच जाना है मार जाना है। हमने सबने वो जीवन जिया है, हमने देखा है इस परेशानी को भी दूर करने का काम
इज्जत घर बनाने का काम किसी ने किया तो ये काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाई बहनों, एक के बाद एक अगर इतनी योजनाओं की हम बात करें, कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में उन्होंने योजना नहीं बनाई है? भाई बहनों, आज देश के अंदर कुछ पार्टियों के लोग कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी का परिवार नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा एक दो दिन पहले बयान आए थे। भाइयों बहनों, अगर मोदी जी का ही परिवार अपना ही परिवार बनाने में लगे रहते तो आपका परिवार नहीं बन पाता, गरीब का परिवार नहीं बन पाता, देश का परिवार नहीं बन पाता। आज मोदी जी का परिवार हम सब है, हम सारे लोग उत्तराखंड के मोदी जी का परिवार है, हर गरीब मोदी जी का परिवार है, देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है। वो 24 घंटे अगर किसी के लिए सोचते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, तो वो भारत के रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं। भाइयों बहनों, आपने कभी सोचा था कि आप बड़े बड़े अफसर चलकर आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, आपके दरवाजे पर पहुंचकर सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे? एक समय था योजनाएं भी आती थी तो योजना लेने वाले को इतना थका दिया जाता था, इतना परेशान कर दिया जाता था कि वो थक हार कर योजना का लाभ लेना तो दूर, उस तरफ जाना भी नहीं सोचता था। आज सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है ना? नहीं बताइए, लाभ मिल रहा है ना? उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जिसकी अभी ऋण की योजना की बात हमारे महेंद्र भट्टी कह रहे थे, सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मिल रहा है तो जरा जोर से हाथ खड़ा करिए ना भैया। तो सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्योंकि आज उनके नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी की गारंटी है कि सरकारी दफ्तरों, जन प्रतिनिधियों, आम जनता के पास उनके गांव में आज हर एक अधिकारी पहुंच रहा है। आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या है यह भी हमको जानना चाहिए। मोदी की गारंटी का मतलब है अंत्योदय, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचना। मोदी की गारंटी का मतलब है भारत का संपूर्ण विकास होना। मोदी का गारंटी का मतलब है हर भारतवासी के मन में बड़ा हुआ आत्मसम्मान पैदा होना, हर भारतवासी के मन में कि भारत अब विश्व का नेतृत्व कर सकता है, यह हम सबके मन में भी होगा। हम सबके मन में आज मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में, चाहे निःशुल्क खाद्यान्न हो, कोरोना महामारी आई, हम सब कैसे भूल सकते हैं जब कोरोना महामारी के समय में हमारे देश दुनिया के अंदर काम करने वाले, हमारे घरों के बहुत सारे लोग अपने घरों को वापस लौटे, ऐसे समय में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, चूल्हे बंद होने की स्थिति आ गई, ऐसे समय में मोदी जी ने व्यवस्था करी कि किसी का चूल्हा बंद नहीं होगा, हर किसी के लिए राशन की व्यवस्था करी और वैक्सीन लगाकर भी लोग कह रहे थे कि उस समय वैक्सीन मत लगाओ, आप सबको याद होगा कुछ लोग कह रहे थे ना कि ये मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगाइए, यहां पर बहुत जगह पर लोगों को कह रहे थे, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे। ये लोग देश में कभी भी कोई अच्छा काम होता है तो बरगलाने से पीछे नहीं हटते भाइयों बहनों। आज ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं, अगर हम उन सब की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखिए धारा 370 कश्मीर के अंदर, लंबे समय से उसकी मांग थी कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। देश का एक विधान, एक निशान और एक प्रधान पूरे देश के अंदर एक समान होना चाहिए। कश्मीर अलग होता था, देश की अर्थव्यवस्थाएं अलग होती थी, उस व्यवस्था को भी एक व्यवस्था बनाने का काम आजादी के आजाद भारत के इतिहास में जो कोई नहीं कर पाया, उस काम को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, आज कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग हो गया। और दूर मत जाइए, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम, इसके साथ साथ हम सब लोग जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जब हम ये कहते थे तो कुछ लोग कहते थे
तिथि नहीं बताएंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे हम तिथि नहीं बताओगे आप कहते तो रामलला आएंगे मंदिर बनाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में रामलला का मंदिर भी बना, तिथि भी निर्धारित हुई और 22 जनवरी को हम सब लोगों ने वो एक सुंदर दृश्य जिसके हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान राम को वहां पर विराजित होते हुए देखा। एक रामलला को उन लोगों ने देखा जो त्रेता युग में पैदा हुए और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस युग में पैदा हुए फिर से राम युग वापस लौटा है। उस राम युग को लौटाने का काम हम सबको उसका प्रत्यक्ष दर्शी होने का सौभाग्य अगर हमको किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। आज हमारे जितने तीर्थ स्थान है उन तीर्थ स्थानों का विकास हो रहा है तेजी से। आज देखे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे सारे धामों का विकास हो रहा है। यहाँ के लिए सड़कों का निर्माण हो रहा है, चार धाम ऑल वेदर रोडें बन रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोपवे बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, इसके साथ साथ हवाई सेवाएं प्रारंभ हो रही है। आज कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है, आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र हमारा तेजी से विकास की ओर बढ़ने वाला है क्योंकि इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा हमारे उत्तराखंड के साथ जुड़ाव है। वो हमेशा कहते हैं कि उत्तराखंड से मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है। उन्होंने अनेक बार दोहराया है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, और उस उत्तराखंड के दशक को तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उत्तराखंड की सरकार भी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से लगातार काम कर रही है। चाहे नगर अध्यादेश हो, चाहे धर्मांतरण का कानून हो, या कल उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में हमने एक निर्णय लिया है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसका मूल स्वरूप खराब नहीं होने देंगे। यहाँ दंगा करने वाले, यहाँ उपद्रव करने वाले, यहाँ आगजनी करने वाले, उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अब हिंदुस्तान का सबसे कठोर कानून इनकी संपत्ति जब्त करने का लेकर आए हैं। हमने नकल बंद करने के लिए हमारे महेंद्र भट्टी ने बहुत विस्तार से बताया भाइयों बहनों कि पहले नकल होती थी और नकल के कारण से ऐसे बेटे बेटियां, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, वो बहुत पढ़ने में अच्छे होते थे, प्रतिभा भी होती थी, क्षमता भी होती थी, लेकिन उनका नाम नहीं आता था। जब से हमने ये नकल का अध्यादेश लागू किया, नकल का अध्यादेश लागू करने के बाद आज स्थिति यह हो गई है कि एक बेटा या बेटी एक परीक्षा में अगर पास हो रहे हैं, एक में चयन हो रहा है तो दूसरे में भी चयन हो जा रहा है, दूसरे में हो रहा है, तीसरे में भी हो जा रहा है, चौथे में भी हो जा रहा है। और कुछ बेटे, कुछ भाई बहन ऐसे मिले कि उनका पांच पांच परीक्षाओं में एक साथ चयन हो गया। भाई बहन, पांच परीक्षाओं में एक साथ उनको नौकरी मिल रही। अब उनके सामने भी संकट पैदा हो रहा है कि मैं कौन सी परीक्षा में जाऊं, कौन सी में नहीं जाऊं। जब उनके माता पिता मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं उनके घरों के, कहते हैं बेटा ये काम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आपने नकल का अध्यादेश लगा दिया। भाई बहनों, ये नकल का अध्यादेश हम उत्तराखंड के नौजवानों के हित में लेके आए, उत्तराखंड के बेटे बेटियों के हित में लेके आए, उन माता पिता के हित में लेकर आए जो अपनी छोटी सी दुकानदारी करके घर में सब्जी बेचकर, दूध बेचकर, घी बेचकर, अपना किसी से उधार लेकर अपने बेटे और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। आप जरा सोचिए कि जो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे,